ये है रेडियो इंडिया और आप सुन रहे हैं इंडिया की आवाज रैपर क्रिस के साथ। नमस्कार आदाब, मैं हूँ रैपर क्रिस और शो है इंडिया की आवाज। और आपको तो पता ही है ये है रेडियो इंडिया। आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाला हूँ उसके बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, पर उससे पहले याद है दिवाली के दिनों में आपने बम फोड़ा था? मैंने तो बहुत फोड़ा था यार, पटाखे, फुलझड़ी, ओ माय गुडनेस क्या मजा आता था। तो आप कभी गौर करिएगा, जब आप बचपन में बम फोड़ते थे तो उसकी आवाज कितनी दूर तक जाती थी? बहुत ज्यादा, तो हाफ किलोमीटर, एक किलोमीटर, दो, तीन, चार, खुली जगह रहे तो शायद उससे ज्यादा भी पहुंच जाए। पर आज जिस बंदे का मैं इंटरव्यू करने वाला हूं उनकी आवाज ही काफी है। वो हालांकि जब गाना गाते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफैक्ट 7-7 राज्यों में उनका गाना धूम मचा रहा है। और यही नहीं, आज के दिनों में इंटरनेट के माध्यम से जहां जहां पे लोग भोजपुरी गाना सुनने का शौक रखते हैं वहां पे इनका गाना जरूर और बजते ही बजते हैं। और यहां तक कि लड़कियां जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ती हैं वो भी इनका गाना सुनकर धुमकती है। क्योंकि आज जिस बंदे का मैं इंटरव्यू करने वाला हूं उनका नाम है निर्भय तिवारी। यार क्या गाना गाते हैं, क्या गला में कशिश है। तो मैं अभी फोन लगाऊंगा, बने रहो आप रैपर क्रिस के साथ रेडियो इंडिया में, शो है इंडिया की आवाज। निर्भय तिवारी जी नमस्कार, आपका स्वागत है आपका इंडिया की आवाज शो में। धन्यवाद रैपर क्रिस जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया की आवाज शो में आपसे बात करने में। और मेरे जितने भी भोजपुरी के जितने भी श्रोता लोग हैं जिन्होंने आज मुझे इस जगह पे पहुंचाया है, सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतने ग्राउंडेड शख्स, आपकी सोच इतनी उम्दा और इतने ग्राउंडेड है, आशीर्वाद भी ले रहे हैं, बहुत खूबी की बात है। तो भोजपुरी गाना में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अश्लीलता पूरे गानों में दिखाई देती है, तो आपको नहीं लगता जिसके वजह से भोजपुरी मार्केट गानों को लोग नापसंद कर रहे हैं? हालांकि ये मेरा पहला सवाल है, पहला सवाल इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि भोजपुरी की बात आती है तो सबसे पहले जहन में, दिमाग में इस तरह के सवाल अपने आप खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक भोजपुरी की अश्लीलता की बात है तो हमारा भोजपुरी कभी अश्लील था ही नहीं। कुछ चंद गायकों की वजह से हमारी भोजपुरी में जो अश्लीलता आ गई है, आप कुछ समय पहले जाके देखिए, भरत शर्मा जी, मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी, ये सब ऐसे शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस भोजपुरी को एक नाम दिया है, पहचान दी है। तो मेरे ख्याल से, मेरे दिल से भोजपुरी ना कभी गंदा था, ना कभी है, ना कभी होगा। अब मैं पूरे दिल से कोशिश करता हूँ, भोजपुरी में बोलना चाहता हूँ कि भैया की मैं पूरा दिल से कोशिश कर चाहता नहीं कि भैया की भोजपुरी में कभी अश्लीलता ना आवे, कभी कोई चीज गलत काम ना होके। काहे कि हम एगो गायक बनी, हमार धर्म बा, हमनी के भाषा भोजपुरी बाटे, ओकरे के बचावे खातिर, हमनी के बचावे खातिर बहुत कुछ परिश्रम करे के बा। और हमारे जितने भी नए गायक कलाकार हैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब प्लीज इस निर्भय की बातों को सुने और जितना अच्छा हो सके अच्छी अच्छी गीतों को मार्केट में लाए और हमारे देश को, हमारी भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने में अपना अहम और मदद करें। बस यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिर मैं कहना चाहूँगा, इतने उच्च विचार है, माशाल्लाह, काबिले तारीफ है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी जुबान जाना जाता है उसके बोलने वाले से, राइट? अगर इंग्लिश मैन, अगर हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय इंग्लिश का इजाद कैसे हुआ? क्योंकि वो जब बोलने लग गए तो इंग्लिश आस्ते 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 फैलती गई, तो लोग इंग्लिश पे आस्ते आस्ते खुद को ढाल रहे हैं। और भोजपुरी गाना जो सुनते हैं वो भोजपुरी गाना के शौक रखते हैं और तरह तरह के गाना जो है सर्कुलेट भी होते हैं। आपने जिस तरीके से मैसेज दिया, पैगाम दिया लोगों को कि भोजपुरी में अश्लीलता को बढ़ावा ना दे, इस तरह गाना लोगों के बीच में सर्कुलेट करे जिससे एक संदेश हो, पैगाम हो, आप जो भोजपुरी गाना गा रहे हैं उस पे कभी आपने कोई पैगाम या संदेश देने का कोशिश किया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिस जी कि मेरा अभी कुछ दिनों पहले आया था, मेरा एक एल्बम आया था कि देवी अफ पुजाली घर में मेहरी। इसका अर्थ ये है कि आज आप देख रहे होंगे कि आज जब लड़के की शादी हो जाती है तो वो अपने माता पिता को छोड़ देता है, अपने पत्नी के पीछे ही अपना समय एक्सपेंड करता है, अपने जो माता पिता है जो उनको पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उनको वो छोड़ देता है और तरह तरह की तकलीफें देता है।
तो मैंने उसमें एक गीत गाया था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर। कि माई बाबू रहस भले घरवा के बाहरी न, माई बाबू रहस भले घरवा के बाहरी न, कि भैया हो देवी अस पुजारी घर में मेहरी न, कि भैया हो देवी अस पुजारी घर में मेहरी न। ये कहना था कि माँ माता पिता भले ही बाहर रहे, कुछ भी करे, भले फटा हुआ कपड़ा पहने, लेकिन उससे बेटे को कोई परवाह नहीं पड़ रहा है आज के समय में। तो मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता की खूब सेवा करें, उनकी स्वर्ग जो है उनके कदमों में ही में है। जो भी है तो बस यही कहना चाहता हूँ आप सबसे, मेरा समाज में यही एक मैसेज जाता है कि माता पिता का आप सब सेवा करें, सबसे बड़ा पुण्य उसी में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो जन्नत की द्वार है वो माता पिता से ही होकर जाती है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये बता दिए कि आपने YouTube में फिल्म भी रिलीज किया जिसका नाम था अय्याश, आप बड़े पर्दे में आने की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर का? गानों के बारे में अगर पूछा जाए या मूवी के बारे में पूछा जाए तो क्या आप प्लान कर रहे हैं अभी? जहाँ तक कि अभी जो मेरी अय्याश मूवी आई है, अय्याश इन ऑफ द लाइफ, ये मैंने बहुत अच्छी मूवी है, एक तरह से मैसेज वाली मूवी है ये भी, जो मैंने एक अपने समाज को मैसेज दिया है कि एक लड़का रहता है जो कि बहुत अय्याश होता है, उसके पिता बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, तो लड़का बहुत पैसे खर्च करता है, यहाँ वहाँ फिल्म गाजा, बहुत सारी गलत गलत लतें रहती है उसके पास। बाद में उसको जब उसके पिता जब डेथ कर जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे पैसों कर्जों का बोझ आ जाता है, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप समय को अच्छे चीजों में लगा के समाज को अर्पण करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो ये समाज में नोटिस दिया गया है इस फिल्म के जरिए। और जहाँ तक फ्यूचर की बात रही तो हाँ, आपकी भोजपुरी में बहुत काफी जगह मैंने बात की है और बहुत सारी बातें चल रही हैं। हो सकता है 2070 में आपका ये भाई बड़े पर्दे 35 mm स्क्रीन पे जरूर दिखेगा। तो आप स्क्रीन पे आने के बाद किस तरह का आप शौक रखते हैं, किस तरह का रोल आप करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप भी जो है माहे पसार के शाहरुख खान की तरह एकदम जो है रोमांटिक रोल करेंगे, या फिर आप गब्बर सिंह से लड़ाई करने के लिए जो हीरो जाता है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और हीरो का मीन्स एक्शन वाला मूवी करने का प्लानिंग कर रहे हैं? क्रिस भैया को बात कहीं हमारा के गोविंदा जी वाला रोल करे सबने सब रोल किया, लेकिन गोविंदा जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान इंडस्ट्री को दी है, एक अलग सी चीज दी है। तो मैं एक कॉमेडी हीरो बनना चाहता हूँ और एक सीरियस हीरो बनना चाहता हूँ। उस हीरो को लेके उस गोविंदा जी के हर एक नक्शे कदम पर मैंने चला है, उनकी हर एक बातें हर एक एक्टिंग को मैंने नोटिस किया है। तो मैं एक अलग से माइंड में अलग से मूड में इस इंडस्ट्री में आऊंगा और अलग सा एक पहलगा 2070 में आप सबके प्यार आप सबके आशीर्वाद से जरूर होगा। तो आप यही गाना गाएंगे फिर? मैं रस्ते से जा रहा था टटटटा, मैं तो भेलपुरी खा रहा था टटटटा, मैं तो अखिया भी मार रहा था। आप तो अखिया भी मारते होंगे आप तो जी, जी। आप जब गाना गाएंगे तो थोड़ा अखिया मारना वारना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा करेंगे क्या आप? ये तो आज के रेट में देखिए कि जितने भी दर्शक हैं वो आज के रेट में फाइटिंग और ये सब में कोई ध्यान नहीं दे, बट हाँ कॉमेडी जो है, अगर आप पब्लिक में एक होती खुशी बांटना, जी हाँ, अगर खुशी आप पब्लिक में देते हैं तो आपको जरूर पसंद करेगी पब्लिक। तो मेरा यही है कि मैं अपने जरिए लोगों में खुशियां बांटूं, एक मनोरंजन लेके आऊं लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद पाने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो होली के विषय में आपने एल्बम जो रिलीज किया था देश के जवानों को समर्पित किया था, तो वो गाना लोगों को एक बार सुनाएंगे गाकर? जी अभी अभी मेरा एक एल्बम आया है रैप कैसेट के माध्यम से, जो भोजपुरी की नंबर वन कंपनी कहलाती है, और उस एल्बम का नाम है सीमा पर खेले होली। और इसमें एक गीत ऐसे है कि हमारो फौजी जवान सीमा पर
खेले ले होली हमरो फौजी जवान सीमा बापा खेले ले होली आज देशवा के माटी के बना के अबिरिया देशवा के माटी के बना के अबिरिया मौली लीला रपचल सुतन हो मौली लीला रपचल सुतन सीमा बापा खेले ले होली हमरो फौजी जवान सीमा बापा खेले ले होली। धन्यवाद यार, आपकी आवाज तो गजब है यार। एक बार फौजी अगर सुन लेंगे तो एक बार एक दो बार हवा में जो है गोली चलाते हैं, ढिशके आओ, किसी की ज्यादा तारीफ करते हैं तो हवा में गोली, जिस तरह शादी ब्याह में आपने अक्सर देखा होगा जब शादी ब्याह होती है तो हवा में फायरिंग करते हैं, तो आई एम श्योर ये सब गाना सुनने के बाद तो ऐसा वाक्य मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है तो बताएं लोगों को, जरूर से बताएं। एक बार बिहार में मेरा शो चालू था, मेरे फ्रेंड की मैरिज का शो था, तो वैसे ही मेरा अभी एक नया गाना रिलीज हुआ है सैया हमार मिस्त्री हो, ठीक है, तो गाना मैं गाया तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे एकदम राइफल राइफल एकदम पूरा धुआं एकदम होने लगे, एकदम राइफल छूटने लगे। मैंने एक बार वो गाना गाया तो मैं गाना गा के जैसे ही गाना मैं चेंज कर रहा था वहाँ पे एक हाथ में राइफल लेके बंदा आया, बोला कि निर्भय जी ये गाना वापस से गाइए, और काफी वो मतलब अलग माहौल में थे, तो मैंने बोला यार अच्छा नहीं होगा, नहीं गाएंगे तो इसको गा देते हैं वापस से। मैंने फिर से वो गाना रिपीट किया और जब मैंने फिर ये गाना खत्म किया तो वहां से तीन चार आदमी एक साथ आ रहे हैं कि भाई एक बार और गाइए, तो मैं बोला कि सर जी मुझे माफ कीजिए, तो वहां पे लग रहा था कि सही में गोली चल जाएगी, तो लास्ट में मैंने एक बार लास्ट में वो गाना गाया, उसके बाद मैंने गाना चेंज। तो मतलब जो है तमंचे में डिस्को आपने कर दिया, वाह जी वाह जी, ये जो गाना ये बस आपके साथ सच में तमंचे में डिस्को वाला हाल हो गया। इसी तरीके से बातों का सिलसिला करता रहूंगा मैं, इनसे पूछूंगा इनकी फेवरेट मूवी कौन कौन सी है और कौन सा है इनका फेवरेट गाना, लेकिन थोड़े से छोटे से अ शॉर्ट क्रिस्प ब्रेक, स्टे ट्यून्ड ऑन इंडिया की आवाज। मैं रैपर क्रिस आपका इस्तकबाल करता हूँ, रेडियो इंडिया में शो चल रहे हैं इंडिया की आवाज, आपको अचंभित करने के लिए आज मैं कुछ दिमाग में लेकर आया हूँ। I'm your lover, you're my love, I'm your baby, you're my lady, I'll rap, you'll dance, they'll clap, you'll romance, I'm your heart, you're my soul, let's together rock and roll। ये एक तरह का रैप जो मैं कर रहा हूँ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, और इनसे निर्भय तिवारी जो जो फोन पे मौजूद है मेरे, उनसे मेरा सवाल यही है कि अभी अभी जो मैंने रैप किया, अभी आपको नहीं लगता कि रैप का प्रचलन चल रहा है? क्योंकि दंगल में रफ्तार ने धक्कड़ गाने में क्या रैप किया है, तो आप भोजपुरी गानों में रैप क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हिंदी में ही सही? जी आपने सही कहा रैपर क्रिस जी ये तो बात सही है कि हमारे भोजपुरी अभी चल रही है, लेकिन हाँ अब जरूरत हो चुकी है कुछ नया करने की। तो आपको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें मैं चाहता हूँ कि रैपर क्रिस जी आप मेरे गानों में रैप करेंगे और उसे अपना सहयोग देंगे और आगे बढ़ाएंगे हमारे भोजपुरी भाषा को। अरे शाबाश, आपने बस ओ माय गॉडनेस यार, आज नींद नहीं आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, आज दिन भर तो मैं सोने से रहा, रात को भी नींद नहीं आएगी। एंड यू आर हार्टली इनवाइटेड फॉर माय नेक्स्ट एल्बम। आप जनता जनार्दन गवाह के तौर पे रहना, इन्होंने मुझे ऑन एयर पक्का कर लिया, समझ लिए स्क्रिप्ट साइन हो गई, आपके सामने इन्होंने बोल दिया तो समझ लिए मैं एक कोरे कागज में हस्ताक्षर दे दिया इनको। चलिए मेरे तरफ से भी कमिटमेंट ये है आप लोगों के सामने कि मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरी भी पैदाइश बिहार, इनफैक्ट अभी तो झारखंड हो गया, झारखंड की ही है। तो चलिए इसी हसमुख अंदाज में आप ये भी बता दिए कि आपके फेवरेट
गाने कौन कौन से हैं भोजपुरी में और फेवरेट मूवीज कौन कौन सी है? मेरे जो भोजपुरी के फेवरेट गाने हैं, मेरे गुरु जो है पवन सिंह जी, उनका ही एक गाना है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बजा है, हर एक कास्ट, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में वो गाना है कि लॉलीपॉप लागे लू। थोड़ा सा लॉलीपॉप गा दिए तो बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत सुना हूँ यार ये गानों को। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा भी वाकया हुआ है कि मैं डिस्को चला गया हूँ और डिस्को जाने के बाद लोग जब शराब पी लेते हैं तो किसी ने शराब पीकर कुछ होगा पहुंचा हुआ तो शराब पीकर उसने कह दिया और ये लॉलीपॉप गाना अचानक से बजना शुरू हो गया। क्या मौसम बना। तो बहुत बार ऐसा होता है भोजपुरी गानों से मौसम ऑटोमेटिकली, नहीं भी गाने वाले लोग, नहीं भी ठुमकने वाले लोग एक पांव उठाकर ठुमकने के लिए भी रजामंद हो जाते हैं। तो ये लॉलीपॉप गाना पॉप पॉप करके मतलब हिप हॉप में आप सुना भी दीजिए। अरे कि तू लगा हमलू जब लिपस्टिक, अरे हिले हिलाया डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, अरे जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू। आप सुनने वाले बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ, ये लॉलीपॉप आपके लिए नहीं है, मुझ जैसे बड़े लोगों के लिए है। तो धोखा ना खाए। हालांकि इंटरव्यू लेने में बहुत मजा आ रहा है यार। जितना भी इंटरव्यू मैंने लिया है, आपसे इंटरव्यू लेने का मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है, शायद ही मुझे लगता है किसी और से इंटरव्यू लेने में ऐसी आनंद प्राप्त हुई हो। तो इसी अंदाज में आप मूवी का नाम भी बता दीजिए लोगों को। थैंक यू सो मच इसके लिए। और जो मेरी फेवरेट मूवी है, अगर भोजपुरी की बात करें तो मेरी सबसे फेवरेट मूवी है जो पवन सिंह की आई थी, हुकूमत, जिसके हमारे डायरेक्टर थे अरविंद चौबे जी। हुकूमत पिक्चर बहुत ही हिट किया था, उसमें एक गाना था, हरि की जन मार ललका लहंगवाई गोरी, हर जो बना डोला बताई मान, चोलिए में अटिकल परान, ए रानी तो हरे चोलिए में अटिकल परान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आप जिस समय आप संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष से घिरे पड़े थे, और उस समय आपको किसने सपोर्ट किया? कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, तो आप जब इस तरह संघर्ष के मैदान में किसने आपको सहयोग किया और किसने आपका हाथ थामा? ये तो बहुत ही इमोशनल सवाल आपने कर दिया है क्रिस जी, बट हाँ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मैंने इस अपने 4 साल के करियर में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही लोगों से बातचीत, बहुत ही लोगों से हर एक चीज किया। उसमें मेरे सबसे बड़े जो मेरे सपोर्टिव रहे हैं, मेरे पिताजी श्री शशिकांत तिवारी जी का सपोर्ट, उनका दिया हुआ लाइफ है, उनकी दी हुई करियर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसमें इसे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, अजीत सिंह जी, सचिन में रविंदु सिंह जी, जितेंद्र दुबे, संतोष दुबे, सरोज दुबे, संपत रजक, पिंटू दुबे जी जो भोजपुरिया बाबा है, और बहुत ऐसे पवन परदेसिया जी जो बॉम्बे में रहते हैं गोरेगांव में, और इसे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। रवि भूषण जी जिनका अभी पिक्चर आने वाला है कि तेरे जैसा यार, कहा उन्होंने डायरेक्शन दिया है, तो ऐसे लोग का बहुत सपोर्ट रहा है, पवन सिंह जी का, कल्लू जी का, तो उन लोग का आशीर्वाद है, उन लोग का प्यार है कि आज आपके सामने आपका छोटा भाई निर्भय तिवारी आपसे बातें कर रहा है, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए आपने जनता के सामने सपोर्ट वाली बात तो रख दी, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी सपोर्ट वाली बात रख दूं। मुझे सपोर्ट किया गया नीलम सेठ के द्वारा, उन्होंने बोला कि आप निर्भय तिवारी जी एकदम जो बॉम्ब है, जिसकी आवाज एक नहीं दो नहीं सात सात राज्यों में घूमती है, आप उनका जरूर से इंटरव्यू लीजिए। तो नीलम सेठ थैंक यू सो मच, जनता के सामने मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यही अंदाज में, थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू। तो आप यही अंदाज में बता दीजिए लोगों को कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है, और आप जाने से पहले लोगों को क्या पैगाम मोहब्बत से देना चाहते हैं?
भैया हम मोहब्बत से कहल चाहम कि जे आज के रेट में हमने के भोजपुरी भाषा लुप्त हो रहल बा, से खत्म हो रहल बा, ओकरा के आप सब आगे बढ़ाई। जहाँ रही अगर भोजपुरी बानी तो भोजपुरी में बतियाई। तो भैया वो गाना भरत भैया गैले रह कैसे रहे कि सूरत बॉम्बे कलकत्ता चाहे रही हमन सोरी में, कि सूरत बॉम्बे कलकत्ता चाहे रही हमन सोरी में, अब पढ़ी ह लिखी हा कौनो भाषा, अब पढ़ी ह लिखी हा कौनो भाषा, बतियाई हा भोजपुरी में, पढ़ी ह लिखी हा कौनो भाषा, बतियाई हा भोजपुरी में, पढ़ी ह लिखी हा कौनो भाषा। वाह वाह क्या अंदाज है यार, वाह वाह क्या गला है आपकी। ये तो रही पैगाम की बात, फ्यूचर प्लानिंग आपका क्या क्या है? बस ये है सर कि फ्यूचर प्लानिंग में बहुत अच्छे अच्छे गाने देने हैं, समाज में एक अच्छी फिल्म करनी है और बहुत आगे तक जाना है, आप सबका प्यार पाना है, आप सबके बीच में आना है। जैसे कहा जाता है कि पब्लिक एक ऐसी चीज है जो जीरो से हीरो बनाती है। बहुत तो, बढ़िया। तो मैं यही जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, चाची है, चाचा है, सबको मैं यही नम्र निवेदन करता हूं कि आप सब अपने छोटे भाई भतीजे को निर्भय तिवारी को अपना साथ दें, आशीर्वाद दें और हर जगह पे खड़े रहने की ताकत दें, दुआ करें हमारे बारे में, बस यही चाहता हूँ। सुनते रहिए आप रैपर क्विज को और जो शो खराब है इंडिया की आवाज ओनली ऑन रेडियो इंडिया। तो आप सब इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें, सुने और लाइक करें। थैंक यू सो मच मेरे भाई रैपर क्रिस जी, जो मुझे इस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझसे बातें की। थैंक यू सो मच भोजपुरी के दर्शक, हमारे जितने भी दर्शक हैं, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बिंदास जीने का।